हेलो फ्रेंड्स, मैं विशाल सिंह, बीकॉम ई-लर्निंग। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक मैनेजमेंट एंड मार्केटिंग मैनेजमेंट के अंतर्गत, जिसे आप प्रिंसिपल ऑफ द मार्केटिंग कहते हैं। तो ब्रांड किसी भी गुड्स को आप मार्केट में कंपनियों के द्वारा आइडेंटिफिकेशन होती है, जिसके अट्रैक्शन पर हम पैकेजिंग पर वो शो करते हैं, जो बेस्ट ऑफ द क्वालिटी को भी एक बार प्रदर्शित करता है, जिसको हम गवर्नमेंट की तरफ से रजिस्ट्रेशन करा देते हैं, तो वही ब्रांड आपके लिए क्या हो जाती है, ट्रेडमार्क हो जाती है। तो इन ब्रांड को हम क्या कहते हैं, आपके लिए एडवांटेज क्या होती है, मैन्युफैक्चर के लिए क्या एडवांटेज है, मिडिलमैन डिस्ट्रीब्यूशन एडवांटेज। नेक्स्ट है आपके लिए कंज्यूमर के लिए क्या एडवांटेज है, डिसएडवांटेज। फर्स्ट आप है आपके लिए वेरी इजी विथ दी ब्रांड नेम। ब्रांड नेम का जब आइडेंटिफिकेशन की जाती है, तो वो बिग नेम बड़ा नेम नहीं होना चाहिए, इजी प्रोनाउंस होना चाहिए आपके लिए, इजी प्रोनाउंस, इजी वर्ड, इजी रीडिंग्स जो होनी चाहिए किसी भी पर्सन को। जैसे रिलायंस ने अपना मोबाइल यूज किया, लेकिन मुकेश जी ने जब लॉन्च किया तो इसे हमने किस रूप में, सार्ट वर्ड में, जियो के रूप में इस्तेमाल किया। अमूल उसका ब्रांड नेम है, सनसिल्क है, लाइबॉय है, डिटॉल है, कैनन की आपके लिए कैमरे हैं। तो ये क्या है, रेडमी, लेकिन इसका ब्रांड नेम क्या है, एम आई वी आई वी ओ वीवो। तो इजी वर्ड, इजी प्रोनाउंस वर्ड का इस्तेमाल करती है। आइडेंटिफिकेशन ऑफ द प्रोडक्ट, जब ये प्रोडक्ट इस्तेमाल करती है, तो उस प्रोडक्ट इस ऐसा नेम ऐसा दिया जाता है कि उस प्रोडक्ट को ब्रांडिंग पढ़ते समय हम ये समझ जाए कि हम किसमें इस्तेमाल करना चाहते हैं। सपोज दैट, जैसे टूथपेस्ट में लेते हैं तो बाबा रामदेव की पतंजलि में आती है दंत कांति। अब दंत कांति आपको नाम से ही क्लियर है कि यह आप टूथपेस्ट में इस्तेमाल करते हैं, तो इसलिए आपको इस्तेमाल। पॉपुलरिटी या ब्रांड नेम क्रिएट इन द सेपरेट मार्केट ऑफ द, ये अलग से एक मार्केट क्रिएट करता है। ब्रांड नेम इतना पॉपुलर हो जाता है कि प्रोडक्ट नेम लोग भूल जाते हैं, मिस हो जाती है। जैसे सॉक्स आप खरीदने जाते हैं तो कोई ये सॉक नहीं मांगता, सबको लाइफ बॉय चाहिए, लक्स चाहिए, रेक्सोना चाहिए, लिरिल चाहिए, पियर्स चाहिए, ये आपको चाहिए। डिटर्जेंट पाउडर आप मार्केट में नहीं डिमांड करते, ब्रांड नेम बिकता है। डिटर्जेंट पाउडर में ब्रांड नेम क्या बिकता है, सर्फ बिकती है, सर्फेक्शन बिकता है, रिन बिकती है, रिन सुप्रीम बिकता है, रिन एडवांस बिकती है, व्हील बिकती है, घरेलू डिटर्जेंट पाउडर की सेल होती है। साल्ट में अगर पूरी इंडिया में अगर किसी ने बॉट किया है, तो नमक में टाटा। अगर आप किसी ग्रोसरी से दुकान पर किराने की स्टोर पे जाते हैं, अगर आप नमक लोगे तो सबसे पहले वो टाटा का पैकेट आपको अवेलेबल कराएगा। जब ऑयल में एक फॉर आपके लिए आती है, ऑयल्स में रिफाइंड ऑयल में एक नाम है आपके लिए फॉर्चून, अदानी ग्रुप का। तो अब यह अपने आप में एक नई पॉपुलैरिटी, हमें फॉर्चून चाहिए, तुरंत आपको रिफाइंड ऑयल अवेलेबल हो जाएगी। अगर आपको वनस्पति वेजिटेबल ऑयल घी वनस्पति घी में चाहिए, तो फर्स्ट नेम आपके लिए आती है डालडा, जो अवेलेबल करती है। इन इट हेल्प टू क्रिएट लॉयल्टी सेट ऑफ द कस्टमर, ये कस्टमर के माइंड में कीप करती है कि ब्रांड अगर इसका है तो इसकी क्वालिटी बेटर होगी, कॉस्ट बेटर होगा, चीपेस्ट होगी, और मैक्सिमम बेनिफिट हमारे कस्टमर को प्राप्त होगी। इंट्रोडक्शन ऑफ द न्यू ब्रांड, नए ब्रांड को नए आइडेंटिफिकेशन के रूप में रिप्रेजेंट करती है। इट हेल्प इन दी सेगमेंट, अलग अलग सेगमेंट में आपको अवेलेबल कराती है। जैसे सैमसंग के ही अलग अलग सेगमेंट, टीवी अलग, फ्रिज अलग, वॉशिंग मशीन अलग, मोबाइल अलग, लेकिन नाम का सेगमेंट एक ही होगा, सुपर सैमसंग, नीचे लिखा रहेगा टीवी सैमसंग, नीचे होगा वॉशिंग मशीन, नीचे सैमसंग, नीचे आपके लिए शॉर्ट नेम में होगा। तो अलग अलग सेगमेंट आपको आइडेंटिफिकेशन करती है। When the brand became popular, market get more price. हम किसी भी कस्टमर से मैक्सिमम प्राइस ब्रांड नेम पर ले सकते हैं, और कंपनियां मैक्सिमम बेनिफिट प्राप्त कर सकती है। मिडिल एंड डिस्ट्रीब्यूशन, मिडिल एंड डिस्ट्रीब्यूशन के लिए बेटर है।
एक तरफ फैक्ट्री है, एक तरफ कस्टमर है, तो बीच में जो पर्सन जिसके थ्रू मार्केट में माल जाती है वो आपके लिए रिटेलर हो सकता है, होलसेलर हो सकती है, स्टॉकिस्ट हो सकता है, सीएडब हो सकती है। तो इजी टू सेल, आसानी से सेल कर सकते हैं, नो नीड ऑफ एडवर्टीजमेंट एंड सेल्फ प्रमोटिंग प्रोग्राम। सेल्फ प्रमोटिंग के लिए आपको प्रोग्राम देने की आवश्यकता नहीं, एडवर्टीजमेंट नहीं। ब्रांड नेम के आधार पर कोई भी प्रोडक्ट, अगर टूथपेस्ट पीछे पूरे रैपर में कहीं कोलगेट शब्द आ गया, कोई इस्तेमाल करिए, कोलगेट के नाम पर वो टूथपेस्ट बिक जाएगी। तो विथ पॉपुलर ब्रांड गुडविल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ दी ऑल्सो, कहीं भी आपको सीएंडअप रिटेलर शॉप खोलने में बताना नहीं कि हम किस कंपनी से आए हैं, उस कंपनी के नाम के आधार पर आप सेल कर सकते हैं। इंट्रोड्यूस प्राइस फ्लेक्सिबिलिटी नहीं होती है, गुडविल डिमांड के अनुसार आप प्रोडक्ट को सेल करते हैं। टू कस्टमर एडवांटेज, इजी टू रिकॉग्नाइज द प्रोडक्ट, आसानी से कस्टमर उसको समझ सकता है और अपने प्रोडक्ट को परचेज कर सकता है। इंश्योर अवेलेबिलिटी, उसे एक बिलीव होती है कि हम जो प्रोडक्ट खरीद रहे हैं उसका क्वालिटी क्वांटिटी और बेटर गुड्स हम परचेज कर रहे थे, जैसे पार्ले जी बिस्किट ब्रिटानिया, खरीदते समय हमें कोई संकोच नहीं होगा क्योंकि उसका ब्रांड बिकता है बिस्किट में। इफ एज्यूम द फिक्स्ड, गिव द मेंटल सेटिस्फैक्शन ऑफ द पार्टी। डिसएडवांटेज ऑफ ब्रांडिंग, कुछ भाई फायदे हैं तो नुकसान है। पहला नुकसान है ब्रांड नेम मोर एक्सपेंसिव, क्योंकि ब्रांड नेम अगर मार्केट में बनाना है तो कई वर्षों तक एडवर्टीजमेंट आपको बनाए रखनी है लोगों के एकदम, चाहे सोशल मीडिया हो, चाहे टीवी हो, चाहे रेडियो हो, तो खेला खत्म है रेडियो का। तो अब आपके लिए व्हाट्सएप हो, गूगल हो, हर जगह आप अपने प्रोडक्ट को अवेलेबल कराए रखते हैं कि लॉन्ग टर्म अपनी सेल बनाए रखें। डू नॉट ऑलवेज एसिव ऑफ दी क्वालिटी, सभी क्वालिटियां हम उस पर मेंटेन नहीं कर सकते। इंटरमीडियरीज और ब्रांडेड प्रोडक्ट, इंटरमीडियरीज हमेशा ब्रांडेड प्रोडक्ट देती है तो और प्रोडक्ट की सेल हमेशा डाउन होती है। नेक्स्ट है लॉयलिटी प्रोडक्ट एंड हार्मफुल, समटाइम ज्यादा यूज करने से हमारे प्रोडक्ट के लिए वह लॉस अवेलेबल होती है। कंज्यूमर बाउंडेड टू पे, कंज्यूमर को लिए बाध्य हो जाता है ब्रांड के आधार पे उस प्रोडक्ट को परचेज करने के लिए शॉर्ट टाइम में। आज आपने फुल वीडियो एडवांटेज एंड एडवांटेज के संबंध में मैन्युफैक्चरर, मिडिलमैन और कस्टमर को देखा। डिसएडवांटेज है, थैंक सो मच। आप अपने इस चैनल बी कामी लर्निंग को लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर करें। थैंक यू।